आकाश ये क्या हो रहा है? कुलदीप सेंगर के खिलाफ योगी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। योगी के कहने पर मामला तक दर्ज हो गया और फिर भी आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार पर सवाल नहीं है, ये सरकार से सवाल है कि योगी आदित्यनाथ से अब हाईकोर्ट ये सवाल कर रहा है, पूरे यूपी सरकार से हाईकोर्ट ये सवाल कर रहा है कि जब आपने FIR तक दर्ज कर लिया तो फिर कोई कैसे खुला घूम सकता है, और वो भी रेप के आरोप में, वो भी एक विधायक पर। क्या कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश की सरकार में इतने मजबूत विधायक हैं? क्या कुलदीप सेंगर के हाथ में इतना कुछ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नतमस्तक है? किसने कहा, किसने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बहुत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, नाबालिग से गैंगरेप का मामला सरकार के कहने पर, योगी सरकार के कहने पर दर्ज हुआ है, और फिर भी आप मानते हैं कि सेंगर सरकार से ज्यादा मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, तभी वो खुला घूम रहा है। आईपी सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी को लेकर सारी तैयारी हो गई थी, ये तैयारी हो गई थी कि उनको उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा आदमी इस बीच में आता है और इसके बाद ये सारी चीजें बदल जाती है। वो बड़ा आदमी कौन? तो आईपी सिंह को बताना चाहिए था ना, ये बड़ा आदमी कौन? आईपी सिंह क्या वो आईपी सरकार को बचा रहे हैं या अपनी पार्टी को बचा रहे हैं? आईपी सिंह कह रहे हैं और आईपी सिंह ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए पूरी किरकिरी जो है वो सरकार को झेलनी पड़ रही है। नहीं तो वो कौन है? क्या वो बीजेपी का आदमी है? आईपी सिंह ये क्यों नहीं बता रहे? आईपी सिंह ने इस नाम का खुलासा नहीं किया। नहीं तो क्यों नहीं बता? मेरा सवाल यही है कि आईपी सिंह ये बात क्यों नहीं बता रहे कि वो बड़ा आदमी कौन है? जोर दे रहे हैं कि आईपी सिंह ने क्यों नहीं बताया, लेकिन इस बात पर आप बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं कि कोई एक खुला आरोपी कैसे घूम सकता है जिसके ऊपर FIR तक दर्ज हो गई है। तो आईपी सिंह भी एक सार्वजनिक मन से ये तो कह रहे हैं ना कि बड़े आदमी, वो बड़ा आदमी कौन है? अगर पार्टी पर सवाल ना उठे, अगर सरकार पर सवाल ना उठे, इसके लिए आईपी सिंह को बताना चाहिए। पार्टी के कुछ बातों का लिहाज रखते हुए भी वो नाम का ऐलान ना कर रहे हो, सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाह रहे हो, लेकिन ये तो है कि विधायक पर केस दर्ज होने के बाद भी विधायक खुला घूम रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नतमस्तक है। आपको पता है आज गृह सचिव और DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, आज वो सुबह 10 बजे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक विधायक हैं, इसलिए हम उनके नाम के आगे बस जी लगा रहे हैं। पुलिस कहीं नहीं लगाइए, सहार लगाइए, इससे क्या हो गया? कोई खुला घूम रहा है उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तार करने में कानून की कौन सी बात अड़चन आ रही है? जब आप उन्होंने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ तो कानूनी कार्रवाई क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज कर लेना कोई कानूनी कार्रवाई थोड़ी है। आप उन्हें उठा करके जब नहीं कुछ हुआ, कल तक तो आपको ये शिकायत थी कि सरकार FIR नहीं लिख रही, हाँ तो FIR लिख ली तो गिरफ्तारी तो करिए। गिरफ्तार ये सारा जो CBI जांच सरकार पर सवाल मंजूर कर ली गई है, लोगों की CBI जांच की अनुशंसा मंजूर कर ली गई है, ठीक है। CBI जांच की आप जो जांच करवाना हो कर लीजिए, तो गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? अगर वो आरोप मुक्त होंगे तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं तो सरकार का हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि साक्ष्य नहीं है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। साधारण सी प्रक्रिया है कि नहीं, कि किस जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है इसके तुरंत बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब गिरफ्तार ही नहीं कर रही सरकार, तो कैसे मान लें कि सब जो जांच चल रही है सब जांच सही चल रही है? कोर्ट में सरकार ने कहा है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है विधायक के खिलाफ, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर FIR क्यों दर्ज हो गया जब साक्षी ही नहीं है? तो किस बात को लेकर FIR? CBI SIT जांच कर रही है। पहले तब इससे बढ़िया तो आरोप मुक्त वाली बात थी कि छोड़ देते, आप कहते कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, वो ऑडियो सामने आ गया, उससे पहले उनके विधायक के भाई के ऊपर सब कुछ है, आरोप लग गया, विधायक के भाई की गिरफ्तारी हो गई कल रात में लखनऊ में, रात 12 बजे से लेकर और 2 बजे सुबह 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक, रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। विधायक इस बात को वहां ये बताने सिर्फ गए थे कुलदीप सेंगर कि मैं यहां, किसे नहीं ये बात पता है कि जब आप सरेंडर करने जाते हैं तो SSP के आवास पर सरेंडर नहीं होता है? ये सरेंडर का ड्रामा क्या था? सरेंडर का ड्रामा करना था आप कोर्ट जाते या जहां FIR दर्ज हुई है उस थाने में जाते, SSP के घर पर जा रहे हैं, और जब आपको पता है कि SSP घर पर नहीं है, बावजूद आप लखनऊ SSP के घर पहुंचते हैं ये ड्रामा दिखाने के लिए कि हम गए हैं, अपने बवाली समर्थकों के साथ जाते हैं, रात में देर रात तक वहां बवाल चलता है, पत्रकारों पर आप हाथ उठाते हैं, और कैसे मान लिया जाए? वो कहते हैं कि मैं कहीं से गलत ही नहीं हूं। अरे गलत